माई चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं आप लोगों के साथ में आज कुछ शेयर करने वाली हूँ। आज हम लोग जाने वाले हैं मसाला बनवाने के लिए। जो सारे मसाले हम लोग साल भर के लिए स्टोर करके रखते हैं, वो मसाले बनवाने के लिए जाने वाले हैं मार्केटिंग यार्ड में। तो वहाँ से ही मिर्ची पाउडर, धनिया जीरा पाउडर और हल्दी पाउडर, ये सब कुछ बनवा के लाएंगे। और जैसा गेहूं जैसे क्लीन आए थे, वैसे ही वहां पे सारे मसाले क्लीन किए हुए मिलेंगे। तो बस उसी को पिसवा के लाना है और फिर उसको घर पे लाके कैसे स्टोर करेंगे, ये सारी प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। और मसाले बनवाने जाने से पहले मैं आज आप लोगों के साथ में कुछ शेयर करने वाली हूँ। मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज वर्जिन मोहितो। तो वो नाम थोड़ा सा फैंसी है, पर ड्रिंक बिल्कुल ही सिंपल सी है। घर पे पड़ी हुई दो तीन चीजों से ही आप बना सकते हो। अगर आपके यहाँ कोई गेस्ट आते हैं तो बिल्कुल ही सिंपल सी सोडा या कोला या कोल्ड ड्रिंक कुछ देने से अच्छा है आप इस तरीके से कुछ थोड़ा सा डेकोरेट करके, उसमें से थोड़ा सा वेरिएशन करके अगर आप दोगे तो वो बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वर्जिन मोहितो। तो देख लेते हैं कैसे बनता है। तो मोहितो बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ नींबू के टुकड़े ले लिए हैं और थोड़े से पुदीने के पत्ते, थोड़ी सी शक्कर, थोड़ा सा नमक। तो ये सारी चीज़ें तो सभी के घर पे आजकल गर्मियों में अवेलेबल होगी ही। और एक स्प्राइट ले ली है, और अगर आप स्प्राइट के बदले सिंपल सोडा वाटर यूज़ करना चाहो तो भी कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर मैंने नींबू के टुकड़ों को पहले एक ग्लास में ले लिया है और पुदीने के पत्ते के छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे और इनको बेलन की सहायता से ना थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे ताकि जो पुदीने का फ्लेवर है, नींबू का फ्लेवर है, वो मिक्स हो जाए इसके लिए। और ये रेस्टोरेंट वगैरह में तो बहुत ही फैंसी तरीके से सर्व किया जाता है, पर हम इसको बहुत ही आसानी से घर पे भी बना सकते हैं और मेहमानों के आने पर सर्व करेंगे तो बहुत सुंदर भी लगेगा। अभी इसमें मैं थोड़ी सी शक्कर मिला लूंगी और थोड़ा सा नमक। और एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे इसको। और बस इसमें ठंडी ठंडी स्प्राइट ऐड कर देंगे और स्ट्रो की सहायता से इसको मिक्स करते जाएंगे। और इसको आप सीधा नहीं पिला सकते, इसमें स्ट्रो का होना ज़रूरी है, क्योंकि वरना जो नींबू के छिलके, पुदीने के पत्ते हैं वो सीधा ही मुंह में आ जाएंगे इसके लिए। और एक नींबू की स्लाइस ली है मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डेकोरेशन करने के लिए। तो ये देखिए, ये बन गया है हमारा वर्जिन मोहितो। और ये देखिए अभी हम लोग आ गए हैं हमारे मसाला बाज़ार। तो यहीं पे हम लोग मसाले करवाएंगे सारे। तो पहले मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ पूरा बाज़ार। तो देखिए कितना बड़ा लगता है मसाले का बाज़ार हमारे यहाँ जैतपुर में। तो बहुत सारे इसी तरीके से खुले में ही स्टॉल लगते हैं जहाँ पे मिर्ची वगैरह, हल्दी, धनिया, मतलब खड़ा धनिया जो होता है वो मिलता है, जीरा, ये सब कुछ मिलता है। तो उसी में से सभी लोग मसाले बनवाते हैं। और अभी ये तो एक ही साइड था, दूसरी साइड भी और अंदर जाने के लिए भी था, पर मैंने उस साइड पे नहीं फिर शूट किया। और ये देखिए सारी हल्दी, जो हमारे यहाँ अलग अलग तरीके की हल्दियाँ मिलती है। और ये है खड़े धनिया, और ये हो गया जीरा। तो मैं आपको इसीलिए दिखा रही थी क्योंकि मसाले ना पहले हमको यहाँ से लेके फिर घर एक दिन पहले जाना होता था, फिर मसाले लेके घर आते थे, फिर उनको साफ़ करके फिर वापस से जाना पड़ता था दूसरे दिन मसाले पिसवाने के लिए। पर अभी ना सब कुछ साफ़ किया हुआ ही मिलता है तो हम उसको डायरेक्ट लेके पिसवा सकते हैं। तो ये स्टॉल लगा था जिसपे हम लोग गए थे, वहीं से मैंने सारे मसाले खरीदे, मतलब धनिया खरीदा, जीरा खरीदा, धनिया जीरा पिसवाने के लिए। और ये सारी हल्दी है अलग अलग टाइप की जो हमारे गुजरात में मिलती है,
जैसे सेलम हो गई, मूड़ा की हरदर हो गई, आंबा की हलदर हो गई, ये सब कुछ टाइप होते हैं हल्दी के हमारे यहाँ पर। हम लोग सेलम की हल्दी पिसवाते हैं, तो मैंने सेलम की हल्दी ली थी। और ये हींग के टुकड़े हैं जो आपको बोरी में दिख रहे हैं, इसमें भी दो तरह के हींग के टुकड़े आते हैं, काले वाली और सफ़ेद वाली हींग। और ये मसाले भरते टाइम उसमें डाले जाते हैं, तो ये टुकड़े यहाँ पे इसीलिए मिलते हैं ताकि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर सब में लोग डालते हैं हींग के टुकड़े, ताकि पूरे साल तक उसमें कीड़े वगैरह कुछ भी नहीं लगता है और बिल्कुल अच्छे से रहते हैं हमारे मसाले इसके लिए। और ये देखिए, ये मिर्ची थी, ये कश्मीरी मिर्ची है। और रेशम पट्टा मिलते हैं हमारे यहाँ पे दो तीन तरह के, पर हम लोग तो कश्मीरी मिर्ची ही पिसवाते हैं। और उसमें 1 kg मैंने 2 kg कश्मीरी मिर्च और 1 kg रेशम पट्टो जो मिर्ची हमारे यहाँ मिलती है वो पिसवाई थी। तो बहुत ज़्यादा तीखा भी नहीं होता, मतलब बिल्कुल ही तीखा नहीं होता और रंग बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए, सारी चीज़ें लेके फिर उन पिसवाना होता है। यहाँ पे अभी हमारी हल्दी पिस रही है, और हल्दी और धनिया जीरा की चक्की साथ में ही थी, तो पहले हल्दी पिसवा ली थी हम लोगों ने, उसके बाद में धनिया जीरा पिसवाया और फिर मिर्ची पिसवाने के लिए गए थे। जो हमने हल्दी ली है सेलम हल्दी, उसके ना दूध में पीने के फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा है, और कच्ची हल्दी हम खाते हैं पानी के साथ में अगर हल्दी पीते हैं तो भी इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो इसीलिए हम लोग सेलम हल्दी ही लेते हैं। और उसका कलर भी बहुत अच्छा आता है सब्जियों में। और ये देखिए, यहाँ पे ना जैसे हम लोग मिर्ची लेते हैं, तो हमारी तो बहुत ही कम मिर्ची थी, 3 kg ही थी, पर जो लोग ज़्यादा होते हैं उनकी ज़्यादा मिर्ची होती है, मतलब 10 kg, 15 kg, 12 kg। तो वहाँ पे ना इस तरीके से औरतें बैठी रहती है उसके डंठल तोड़ने के लिए, बीज वगैरह निकालने के लिए, मिर्ची साफ़ करने के लिए, वो kg के हिसाब से ना पैसे लेती है और मिर्ची साफ़ करके दे देते हैं। और ये है हमारी, ये हमारी मिर्ची पिस रही है, कश्मीरी मिर्ची। और मैं उन भैया से बोल रही थी कि भैया आप बीज अंदर मत जाने देना, क्योंकि जब बीज अंदर जाते हैं तो तीखा हो जाता है। जो लोग तीखा खाते हैं वो तो तीखी वाली छोटी सी मिर्ची आती है जो, वो भी डाल के पिसवाते हैं, तो उनका तो वैसे भी बहुत ज़्यादा तीखा होता है, पर हम लोग तीखा नहीं खाते हैं, तो इसके लिए मैं उनको बोल रही थी कि आप उसके अंदर बीज भी मत जाने देना।
सरस्वती। तो फाइनली मेरे सारे मसाले अब हो चुके हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, ये सब कुछ हो गया है। पर अभी मुझे इनको स्टोर नहीं करना है, बर्नियों में नहीं भरना है, इनको मैं सुबह में बर्नियों में भरूंगी, क्योंकि इनको रात भर के लिए ठंडा होने देना पड़ता है। और मिर्ची में भी मोयन लगाना है तेल से, तो फिर वो भी मैं सुबह में लगाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से मसाले स्टोर करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल का ही वीडियो मैंने अभी तक के कंटिन्यू रखा है, क्योंकि कल जो मैं मसाले बनवा के लेके आई थी उनको अभी स्टोर करना बाकी है। वो सारी प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ एक ही वीडियो में शेयर करना चाह रही थी, तो इसीलिए मैंने कल का वीडियो कंटिन्यू रखा है अब तक। तो अभी मैं मसालों को अच्छे से स्टोर करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी कर लूँगी, और उसी के बाद में मैं इस वीडियो को आएंगी। तो इस तरीके से ना सभी मसालों को पहले छान लेना है और उसके बाद में उसको कांच की बर्नी में भर लेंगे। और सभी मसाले में ना हींग के जो टुकड़े मैंने आप लोगों को दिखाए थे वहाँ पे शॉप पे मिल रहे थे, वैसे वाले हींग के टुकड़े बीच बीच में एक दो इस तरीके से रखते जाएंगे। और इसको ना अच्छे से प्रेस करके दबा दबा के मसालों को बर्नी में भरना रहता है। और अगर हो सके तो कांच की बर्नियों को भी अच्छे से साफ़ करके फिर थोड़ी देर के लिए धूप भी दिखा दें और उसके बाद में मसाले उसमें भरें, ताकि इसके खराब होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहते। मेरे पिछले साल के मसाले भी वैसे के वैसे ही है अभी, उसमें कभी भी मेरे कीड़े नहीं लगते या कुछ भी नहीं होता है। तो देखिए इसी तरीके से पहले सभी मसाले छान लेंगे। ये हींग का टुकड़ा, और इसी तरीके से बस थोड़ी थोड़ी हल्दी और एक आध हींग का टुकड़ा एक दो इस तरीके से रखते जाएंगे इसमें बीच बीच में। और फिर इस हींग को आप रीयूज़ भी कर सकते हो, अगले साल इस इन टुकड़ों को निकाल के जब मसाले ख़त्म हो जाए इसके बाद में जो टुकड़े निकलते हैं तो उनको मिक्सी में पीस के आप सब्ज़ी वगैरह में भी यूज़ कर सकते हो, तो ये बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होते हैं। और देखिए मसालों को ना अच्छे से दबा के भरे, ताकि उसमें हवा बिल्कुल भी नहीं रहे, तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते, पूरे साल तक ऐसे ही रहेंगे। इसीलिए इनको अच्छे से दबा के भरेंगे बर्नियों में। सेम इसी तरीके से छान के धनिया जीरा पाउडर और मिर्ची पाउडर ये सब भी छान के अच्छे से बर्नियों में स्टोर कर लेंगे।
और मिर्ची को छानने के बाद में ना उसमें तेल का मोयन लगाना रहता है, तो हम लोग मूंगफली का तेल खाते हैं, तो मैंने उसी तेल से मोयन लगाया है इसमें। ये मोयन मैंने अंदाजे से डाला था, उतना कुछ परफेक्ट मेजरमेंट नहीं था, 4-5 चम्मच डाल लिए थे। मेरी 3 किलो मिर्ची है ये, क्योंकि थोड़ी बहुत मिर्ची पिछले साल की भी पड़ी थी, तो इसीलिए मैंने इस बार 3 किलो ही करवाई है, जिसमें 2 किलो कश्मीरी और 1 किलो रेशम पट्टो डाला था। तो ये देखिए कितना अच्छा सुंदर सा लाल कलर आया है, एकदम चटक लाल कलर आता है कश्मीरी मिर्ची का, और तीखा भी नहीं लगता है, इसीलिए मैं हर साल कश्मीरी मिर्ची ही बनवाती हूँ। और ये देखिए इस तरीके से इसमें मैं मोयन डाल लिया है, और इस तरीके से हाथों से ना मसल मसल के अच्छे से इसमें मोयन लगाना है। आप चाहे तो ग्लव्स पहन के भी ये काम कर सकते हैं, पर मुझसे ग्लव्स पहन अच्छे से नहीं हो पाता है, इसलिए मैंने इसी तरीके से हाथों से लगाया था मोयन। और इतना मोयन डालना है कि पूरी मिर्चियों में ना अच्छे से लग जाए, मतलब कहीं पे भी आपको फर्क दिखने लगेगा साफ साफ ही कि मोयन लग चुका है या नहीं लग चुका है, बस उतना मोयन डाल लेना है। और ये देखिए कितना लाल सुंदर सा कलर आया था, मैं आपको वहीं दिखा रही थी कि हाथों पे भी लग रहा था, इतना लाल कलर था। और जब हम बाजार से मिर्ची लेके आते हैं तो पता नहीं रहता उसमें कि मिर्ची ही है असली वाली या रंग मिलाया हुआ है, तो इसीलिए इस तरीके से बनवाने पर हमको इतना तो मतलब रहता ही है कि चलो घर पर पिसी हुई मिर्ची है, हमारे सामने ही पिसवाई है, तो इसमें कलर वगैरह कुछ भी एडेड नहीं है, ये प्योर कश्मीरी मिर्ची ही है। और देखिए मिर्ची को भी इसी तरीके से अच्छे से दबा के प्रेस करके भर लेंगे। तो ये देखिए सारे मसाले भर लेने के बाद में ना यहाँ पे मैं राई को साफ कर ले रही हूँ। ये हमारे यहाँ तो इसको सुपड़ा कहते हैं, पर इसको हिंदी में क्या कहते हैं ये अभी तक मुझे भी नहीं पता है। तो देखिए इस तरीके से झटक के ना राई को नीचे गिराया जाता है, ताकि जो साफ़ सुथरी राई है वो नीचे गिर जाए। आराम आराम से झटक झटक के नीचे गिराते हैं, तो साफ जो राई होती है वो नीचे गिर जाती है, और कचरा वगैरह जो भी कुछ होता है उसमें, डंडिया वगैरह, तो वो नीचे रह जाती है। देखिए इस तरीके से तो राई जो है वो बिल्कुल साफ़ हो जाती है। और जीरा जो है वो तो मैंने साफ़ सुथरा पैकेट वाला जीरा ही लिया था, तो उसको साफ़ करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी, सिर्फ राई को ही साफ़ करना पड़ा था। तो इस तरीके से करके अभी मेरे सारे मसाले हो गए थे, मतलब राई, जीरा, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, और ये सब कुछ हो गया था। और गरम मसाला मैं कभी एक साथ में नहीं लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा जितनी ज़रूरत लगे उतना ही घर पे पीस लेती हूँ, ताकि उसकी जो खुशबू आती है वो अच्छी, मतलब ताज़ा मसाला हो उसकी खुशबू ज़्यादा अच्छी रहती है इसके लिए।
चलिए अभी टाइम हो गया है इस वीडियो को यहीं पे एंड करने का। और क्या आप लोग भी इसी तरीके से साल भर के लिए मसाले, गेहूँ ये सब कुछ स्टोर करते हैं नहीं करते हैं, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। और आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट करके बताना। और वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और बस आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड कर लेते हैं और मिलते हैं अपने एक अच्छे से नए वीडियो ब्लॉग के साथ में।